सभी साथियों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह का सेशन, सभी लोग के ऊर्जा, उत्साह, उमंग, जोश से भरे होंगे आप सब लोग। मैं भी बाहर ग्राउंड में बैठा हूं और अभी मैंने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट की है, योगा किया है। आप लोग भी रोज़ाना सुबह ये आदत डाल लो कि हम सुबह निश्चित रूप से जितना भी हमें समय मिलेगा एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ी करेंगे, ज़्यादा करेंगे, जितनी भी करेंगे, योगा करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे भी। इसको भी अपने कितना पढ़ेंगे, 2 पेज, 3 पेज, 1 पेज, 4 लाइन, 5 लाइन, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। यदि आपको एक बहुत शानदार कोटेशन मुझे याद आ रहा है, ओनली रीडर्स बिकम लीडर्स। ओनली लीडर्स जो पढ़ते हैं बिकम रीडर्स, सिर्फ वही रीडर्स जो हैं वही क्या बनते हैं, लीडर्स बनते हैं। और लीडर्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई पॉलिटिकली लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, राजनीति से आपका कोई संबंध है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस क्षेत्र में हैं, मैं शिक्षा में हूँ, आप किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, आप पढ़ाई में हो सकते हैं, आपको लीडर बनना है। और लीडर भी कौन से लेवल का, वर्ल्ड क्लास लीडर बनना है आप लोगों को। वर्ल्ड क्लास लीडर बनने के लिए हम हमारे बच्चों को तैयार कर रहे हैं तो हम उनको वर्ल्ड क्लास लीडर्स तैयार कर रहे हैं। स्कूल में हम बच्चों को तैयार करें तो हमारे दिमाग में बात होनी चाहिए कि हम उनको वर्ल्ड क्लास लीडर बनाएंगे, और उसके लिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज से हम एक सेशन शुरू कर रहे हैं, जब जब मुझे समय मिलेगा मैं इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा, यदि आप लोगों का सहयोग बना रहा तो। एक बुक पे चर्चा करेंगे हम और उस बुक को फिर आगे बढ़ाएंगे। रोजाना इस बुक से कुछ चीज़ें, आप बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ बने रहें, मैं इस बुक की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताता रहूँगा। ये जो बुक है ये है मास्टर योर टाइम मास्टर योर लाइफ। मास्टर योर टाइम मास्टर योर लाइफ, अपने टाइम का सही तरीके से आप मास्टर कर लें तो आप अपनी ज़िंदगी को मास्टर कर सकते हैं। ये बुक जो है बहुत ही फेमस बुक है, हो सकता है आप लोगों ने इसका नाम सुना हो, ये ब्रायन ट्रेसी की बुक है। और जो लोग भी थोड़ा बहुत मोटिवेशनल बुक्स के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स के बारे में जानते, सुनते और पढ़ते हैं, वो सब लोग ब्रायन ट्रेसी को ज़रूर जानते हैं। ब्रायन ट्रेसी किस प्रकार का आदमी है, इस प्रकार के मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो जलते हुए अंगारों पर आदमी को चला सकता है। एक किस प्रकार का जोश और जुनून भर देते हैं वो ज़िंदगी में कि आदमी अपने सपनों तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकता है, और इसी प्रकार का जोश उमंग हम सब लोगों को चाहिए। तो इस बुक को हम शुरू करते हैं और इस बुक में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप बुक को पूरी नहीं पढ़ें, मैंने पढ़ी है, मैं पढ़ रहा हूं, तो इसमें मैंने अंडरलाइन की है जो चीज़ें काम की हैं, आप वो भी पढ़ लेंगे तो आप एक बुक को पढ़ लेंगे। और इसी तरह से हम अलग अलग बुक्स पे चर्चा करेंगे। तो ये जो बुक है ये ब्रायन ट्रेसी की बुक है, इसमें शुरुआत जो हम करेंगे वो यहाँ से करते हैं। पहली जो इसमें शानदार कोटेशन है जो मैंने नोट किया है वो ये है, द माइंड इज नॉट अ वेसल टू बी फिल्ड। माइंड इज नॉट अ वेसल टू बी फिल्ड, इट इज अ फ्लेम टू बी किंडल्ड। मीनिंग क्या हुआ इसका देखिएगा, मस्तिष्क जो है वो एक कटोरा नहीं है, इट्स नॉट अ वेसल, एक कटोरा नहीं है, ये कोई बर्तन नहीं है टू बी फिल्ड, कि इसको भरा जाए, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है ये, इट इज अ फ्लेम टू बी किंडल्ड, ये तो एक फ्लेम है, एक ज्योति है, एक फ्लेम है जिसको किंडल करने की आवश्यकता है, जिसको जलाने की, जिसको जागृत करने की आवश्यकता है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि आपके मस्तिष्क में वो सब चीज़ें हैं, बस आपको जागने की आवश्यकता है, सिर्फ आपको पहचानने की आवश्यकता है अपने आप को, सिर्फ अपने आप को जगाने की आवश्यकता है। जामवंत ने जो काम किया है, आप जानते हैं जामवंत को, बजरंगबली हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, जामवंत ने उनकी शक्तियों को उनको याद दिलाया। एक शिक्षक का यही काम होता है कि वो अपनी शक्तियों को पहचाने, अपनी अनंत शक्तियों को पहचाने, और उसके संपर्क में जो भी लोग हैं उनकी अनंत शक्तियों को पहचानने में उनकी मदद करें। आपका मस्तिष्क जो है ऐसा नहीं है कि इसमें इधर से चीज़ें भर ली, इधर से चीज़ें भर ली, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो मस्तिष्क है वो पहले से ही
बहुत सक्षम है, बहुत योग्यताएं उसमें हैं, बहुत उसमें सक्षमताएं उसमें हैं, बहुत सारी उसमें समृद्ध मस्तिष्क के धनी हैं आप सब लोग। मानव मस्तिष्क निश्चित रूप से एक समृद्ध मस्तिष्क होता है, बस सोया हुआ है, आप लोग उसको जगाने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं इसको, अपनी बुक को। अब उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन जो मैंने अंडरलाइन किया है, बुक मेरे पास है, आप देख सकते हैं, और इसमें जो जो मैंने अंडरलाइन किया है वो चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा। एक इसमें टाइटल है द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, यही तो चाहिए हमें। आप हर चीज़ की क्वालिटी देखते हैं, आप शर्ट लाने जाते हैं क्वालिटी वाली चाहिए, आप जूते लाने जाते हैं क्वालिटी चाहिए, आपको पंखा क्वालिटी का चाहिए, कूलर क्वालिटी का चाहिए, और लाइफ आपकी ज़िंदगी उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। आप पे हताश हैं, चिंतित हैं, उदास हैं, परेशान हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको क्रोध बहुत आता है, इस प्रकार की ज़िंदगी आप जी रहे हैं। कई लोगों ने तो इसको ये मान लिया कि नहीं नहीं ये तो स्वाभाविक है। हाँ, हो सकता है स्वाभाविक हो, शिक्षा यही तो होता है कि जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं उनको नियंत्रित किया जाए, उनको सही दिशा में चैनलाइज किया जाए। यदि मानव को ट्रेंड नहीं किया जाए, उसको प्रशिक्षित नहीं किया जाए, समाज में उसको नहीं रहा जाए, तो पशु और मानव में कोई विशेष अंतर नहीं है, स्वाभाविक प्रवृत्ति तो ये है उसकी। लेकिन हम समाज में रहते हैं, अपने आप को प्रशिक्षित करते हैं, तो एक क्वालिटी अच्छी ज़िंदगी जीनी चाहिए हमें। तो इसका टाइटल ये है द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। क्वालिटी ऑफ योर लाइफ में पहली बात कही हुई है, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज लार्जली डिटरमिंड बाय द क्वालिटी ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट, ये इसमें लाइन कही हुई। मैं लाइन टू लाइन आपको बता रहा हूँ उसकी, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी जो क्वालिटी है इज लार्जली डिटरमिंड, वो बहुत हद तक डिटरमिंड है, बहुत हद तक निर्धारित होती है बाय द क्वालिटी ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट। आप अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं ये इस पर निर्भर करता है। देखिएगा, समय है, उसको आप एक ही बार यूज कर सकते हैं। आज का दिन है, आप इसको एक ही बार यूज कर सकते हैं। यदि आपने उसको उस जगह यूज कर दिया जहाँ यूज नहीं करना चाहिए था, तो इसका मतलब ये है कि अब उसको आप वापस उस समय को यूज़ नहीं कर सकते। मैं आपको एक बार बताता हूँ कि जिस तरीके से ये बात है कि आपने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, वो समय आपने अपना सही जगह नहीं लगाया है। तो क्या वो समय वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है। आपने इतनी मेहनत की है, आपने इतनी मेहनत की है कि मानो आप सीढ़ी लगा रखी है आपने, और सीढ़ी को चढ़ने में आपने बहुत मेहनत की है, आप सीढ़ी पे चढ़ भी गए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीढ़ी गलत दीवार पे लगी हुई हो। अगर दीवार ही गलत है जिस पे आपने सीढ़ी लगा रखी है, तो आप कहाँ पहुँचेंगे? बहुत मेहनत के बावजूद भी आप कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने समय को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। मैं जो समय के लिए शब्द काम में ले रहा हूँ वो इन्वेस्ट है। आप अपने समय को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हज़ार बार सोचते हैं। जब आपको 10 रुपये इन्वेस्ट करने होते हैं तो आप 10 बार सोचते हो कि मुझे इसके क्या प्रॉफिट होने वाले हैं, मुझे इसके क्या लॉसेस होने वाले हैं, ये बहुत बार आप सोचते हैं। लेकिन जब आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, तब आप एक सेकेंड भी नहीं सोचते हैं कि क्या मैं टाइम को सही जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि कहीं मैंने जो सीढ़ी लगा रखी है वो गलत दीवार पे लगा रखी हो, और 5 साल के बाद आपको पता चलेगा जब आप छत तक पहुँचने का प्रयास करेंगे, मंजिल तक पहुँचने का प्रयास करेंगे, तब आपको लगेगा कि यार मैं तो गलत जगह पहुँच गया। अब न तो आप वापस जाने के रहेंगे और न वहाँ आगे बढ़ पाएंगे, और इतनी ही ज़िंदगी होती है। इसलिए समय, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी लाइन जो इसमें लिखी हुई है वो लिखी हुई है, मैं वर्ड टू वर्ड नहीं ले रहा हूँ, जो मुझे लगी कि इंपॉर्टेंट लाइन है मैं उनको अंडरलाइन की हुई उसको भी ले रहा हूँ। इफ़ यू डोंट कंट्रोल योर टाइम प्रॉपरली, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू टू कंट्रोल एनीथिंग एल्स। एक बार वापस से सुन लीजिएगा। इफ़ यू, देखो मैं बाहर बैठा हूँ आराम से ग्राउंड में, इसलिए आपको बाहर की आवाज़ें भी सुन रही होंगी। ये देखो जो आवाज़ आ रही है बाहर की सुन रही है, आप इसको बिल्कुल प्रकृति की आवाज़ समझ के इंजॉय कीजिएगा। इफ़ यू डोंट कंट्रोल योर टाइम प्रॉपरली,
यदि आप अपने टाइम को ठीक से कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू कंट्रोल एनीथिंग एल्स, तो फिर आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है टू कंट्रोल एनीथिंग एल्स, फिर आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि आप बाकी किसी चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने समय का सही सदुपयोग करें। समय का सही सदुपयोग कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए, कोई भी रूल ऐसा नहीं होता जो सबके ऊपर फिट होता हो। मेरे समय का सदुपयोग जो मैं कर रहा हूँ, ये मुझे लगता है मेरा सदुपयोग है। मैं सुबह उठता हूँ, आराम से अपनी एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, उसके बाद में दो पेज पढ़ लेता हूँ। पूरे दिन मुझे ऐसा लगता है कि एक नई ऊर्जा आई हुई है, नया उत्साह उमंग आया हुआ है। दिन में जहाँ भी जाना होता है, जहाँ भी करना होता है, पूरी ऊर्जा के साथ काम करते हैं। तो ये मेरा अपना सदुपयोग है। कुछ लोग अभी तक उठे ही नहीं होंगे, ये सुबह 7-7:30 बजे के आसपास की बात है अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कुछ लोग अभी तक उठे ही नहीं हैं। उठने के बाद भी वो अपने समय को किस प्रकार उपयोग करेंगे, ये उनकी क्वालिटी पे निर्भर करेगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट लाइन इसमें, योर हाईएस्ट पेड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल इज योर एबिलिटी टू थिंक। योर हाईएस्ट पेड, जिस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलना है, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा चुकाएगी, योर हाईएस्ट पेड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल, और आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है इज़ योर एबिलिटी टू थिंक, वो है आपकी एबिलिटी टू थिंक, आपकी सोचने की एबिलिटी है वो। आप कैसे सोचते हैं, ये एबिलिटी है आपकी। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बन जाएंगे। एक और बहुत शानदार बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, उसकी पहला जो शीर्षक है, पहला जो चैप्टर है, उस बुक को 7 या 8 चैप्टर्स में बांटा हुआ है, हम उसको भी पढ़ेंगे कभी। तो उसका जो पहला चैप्टर है वो है थॉट्स आर थिंग्स। पहला ही चैप्टर ये है, थॉट्स आर थिंग्स, यानी जो आपके विचार हैं वही चीज़ें हैं। आपके जो विचार हैं वही आपकी संपत्ति है, वही आपकी प्रॉपर्टी है, वही आपकी स्किल है, वही जो कुछ आपके पास है, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके पास है वो आपके विचार हैं। अब वो कैसे हैं, किस स्तर के हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, उसी हिसाब से आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी होने वाली है। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आप अपने समय को ठीक तरीके से सदुपयोग कर पाएंगे। दोबारा देखिएगा हम चीज़ों को, योर हाईएस्ट पेड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल, बहुत शानदार जो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी स्किल है इज योर एबिलिटी टू थिंक, वो क्या है, आपकी एबिलिटी है सोचने की। बॉथ बिफोर यू एक्ट एंड वाइल यू आर एक्टिंग, कब, जब आप एक्ट कर रहे हैं तब भी, जब आप काम कर रहे हैं तब भी, और काम करने से पहले भी। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके विचार, जब आप काम कर रहे होते हैं तब भी, और काम करने से पहले भी। आपको किस प्रकार का काम करना है ये तय करता है कि आपकी किस प्रकार की सोच है। इट इज़ योर एबिलिटी टू चूज व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज़ लेस इम्पोर्टेंट, ये आपकी एबिलिटी है कि आपको चूज करना है, चॉइस। लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस, जिंदगी सब कुछ चॉइस पर निर्भर करती है। और ये जो आपकी एबिलिटी है कौन सी, सोचने की जो एबिलिटी है, ये आपको ये बताती है कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सी चीज़ आपके लिए कम इम्पोर्टेंट है। देखिए, हर आदमी कुछ न कुछ कर रहा होता है। अगर वो सो भी रहा है तो कुछ तो कर ही रहा है, सो तो रहा ही है। अगर वो बैठा है तो भी बैठा तो है, कुछ तो कर ही रहा है। इसका मतलब एवरी बॉडी इज एक्टिंग, हर आदमी कुछ न कुछ कर रहा होता है। यदि कोई बदमाशी कर रहा है तो वो भी बदमाशी तो कर ही रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं कर रहा है। यदि कोई गलत काम कर रहा है तो भी कर तो रहा ही है वो। यदि वो अपना समय बर्बाद कर रहा है तो कर तो रहा ही है। इसका मतलब हर आदमी कुछ न कुछ कर रहा होता है, जब से वो पैदा हुआ है और तब वो मरेगा तब तक वो कुछ न कुछ कर रहा होता है। इसलिए ये नहीं है कि वो नहीं कर रहा होता है, जिस दिन चला जाएगा उस दिन सब कुछ बंद हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो क्या कर रहा होता है, यही तो निर्भर करता है जिंदगी की क्वालिटी, इसी पे डिपेंड करती है कि वो कर क्या रहा होता है। अगर वो उसकी थॉट, उसके जो थिंकिंग एबिलिटी है वो अच्छी है तो वो चूज कर सकता है कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है, कौन सा हमारे लिए उपयोगी है, कौन सा हमारे लिए उपयोगी नहीं है। दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, एक चीज़ आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। आप अच्छी चीज़ को चुन करेंगे या उपयोगी को करेंगे, ये आपके विचार पर निर्भर करता है। मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करूँ, पढ़ाई लिखाई नहीं करूँ। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वो टीवी देखें उनके लिए ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन उपयोगी ये है कि वो अपने समय का, अपने लक्ष्य की तरफ ले जाने में अपने आप को
झोंक दें, ये उनके लिए उपयोगी है। अगर ये वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अपना समय दें, टीवी नहीं देखें। तो ये ज़रूरी है कि आप पे लेस इम्पोर्टेंट एंड मोर इम्पोर्टेंट में अंतर करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट टेल्स अस दैट योर लेवल ऑफ सेल्फ इस्टीम, हाउ मच यू लाइक एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ इज द की मेजर ऑफ हाउ हैप्पी यू आर इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। क्या कह रहा है साइकोलॉजिस्ट? कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं दैट की योर लेवल ऑफ सेल्फ इस्टीम, आप अपने आप को कैसा मानते हैं, आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, ये दूसरे क्या सोचते हैं अपने बारे में, ये नहीं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। कई लोगों को मैं कहता हूँ, नहीं नहीं यार ये मेरे से नहीं होगा, अरे नहीं नहीं यार मेरे से ये नहीं होना है, नहीं नहीं यार मेरे को कौन सुनता है, नहीं नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा। वो अपने बारे में इतना कम सोचते हैं, अपना कम आँकते हैं, दूसरे तो उनके बारे में कितना आँकेंगे, ये तो बहुत दूर की बात है, खुद के बारे में बहुत कम आँकते हैं। हाउ मच यू लाइक एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, लाइक योर सेल्फ, आप अपने आप को कितना पसंद करते हैं, आप अपने आप का कितना रिस्पेक्ट करते हैं। आप अपने आप को पसंद नहीं करें, दूसरा आदमी आपको कैसे पसंद करेगा? आप अपना रिस्पेक्ट खुद नहीं करते हैं, दूसरा आदमी आपका रिस्पेक्ट कैसे करेगा, मुझे बताइएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा आदमी आपका रिस्पेक्ट करेगा यदि आप अपना नहीं करते हैं। तो ये लेवल आपका अपने आप को पसंद करने का लेवल कितना है, आपका अपने आप को लाइक करने का लेवल कितना है, ये डिपेंड करता है कि आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी क्या होने वाली है। आप अपने आप को पसंद करना शुरू कीजिए, लाइक योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को पसंद कीजिएगा, अपने आप को बहुत ही प्यार कीजिएगा, चीज़ें बहुत, आप ये मान के चलिएगा कि आप अपने आप में विचित्र हैं, आप यूनिक हैं, आपके पास वो सब चीज़ें हैं जो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आज का प्रोग्राम हम यहीं ख़त्म करते हैं, कोशिश करेंगे कि हम इसको कंटिन्यू रखें और आपके साथ इसी प्रकार की चीज़ें मैं शेयर करता रहूं। यदि आपको चीज़ें ठीक लगें तो एक बार मुझे बता देना, बस आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये मैं नहीं कहता हूं, आप करें तो बहुत अच्छा है, नहीं करें तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे बता दें कि आपको चीज़ें कैसी लगी, बस इतना। थैंक यू वेरी मच।